अपना बजेंगा इधर हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और सम्मानीय किलाजी चौधरी साहब का आभार प्रकट करूंगा कि मुझे संकल्प परिवर्तन यात्रा यहाँ चौहटन विधानसभा के अंदर देवतुल्य जनता और कार्यकर्ताओं के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से जो सफल हुई उसी का परिणाम हुआ कि सतीसी कौम के आशीर्वाद से, संत महात्माओं के आशीर्वाद से, भाई और बहनों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। और उम्मीदवारी के बाद में मैं सबसे पहले पूरे विधानसभा के अंदर देव दर्शन के रूप में पूरे विधानसभा के अंदर देवतुल्य कार्यकर्ताओं और देवतुल्य जनता के बीच में उनके दर्शन करने के लिए और देव संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए गया। उसके बाद मैं प्रवासी बंधु हमारे चौहटन विधानसभा के बाहर बहुत अपने कामकाज के लिए रहते हैं उनके पास में भी गया, वहाँ भी अच्छा कहीं और लोगों ने सपोर्ट किया और दीपावली को सब आएंगे यहाँ। और उसके बाद में जिस तरह से मैं लगातार नामांकन की तारीख तय होने के बाद में लगातार मैं जो है प्रत्येक गांव के अंदर जा रहा हूँ पीले चावल देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, आमंत्रण देने के लिए जनता के बीच में गया हूँ, उसका परिणाम आज आपने देखा। और अथक प्रयास से जो है जिस तरह से हमारे देवतुल्य जनता का जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है उससे मैं आज ये तय कर सकते हैं कि चौहटन के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। राजस्थान के अंदर एक सीमावर्ती क्षेत्र से एक संदेश जनता ने दे दिया है कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ दिन पहले तक बाहरी और स्थानीय के मुद्दे पर कुछ इस तरह की कुछ बातें चल रही थी, उस सारे डैमेज को किस तरह से आपने कंट्रोल किया? ये केवल हमारे विरोधी जो दल के लोग हैं उनकी कारनामे थी, या ना कोई बाहर का था ना अंदर का था, सभी यहाँ के थे, ऐसा कुछ भी नहीं, सभी मतलब सारा संगठन मिलकर के चुनाव कर सभी संगठन सभी जो हमारे आकांक्षी उनको लोकतंत्र में टिकट मांगने की सबकी एक ही को टिकट मिलता है। सर कितने करवाए गए नामांकन पत्र आपके से जमा? हम जब टिकट मांगते थे उस समय भी यही कहते थे कि हमारा जो जैसा कमल का फूल हमारा उम्मीदवार। आज आपने कितने आवेदन जमा करवाए? आज मैंने 4 आवेदन जमा कराए हैं। पार्ट 2 4 स्थानीय नेता में से सर कोई धरुणनायक दादाजी है जैसे मेघराम जी वगैरह ये मंच पर साझा नहीं किया? स्थानीय नेता सब संयुक्त है, हमारे ये प्रमुख साहब है और स्थानीय नेता सब साथ में। जनता में किस तरह का दिखा आज रुझान? भारतीय जनता पार्टी एकजुट है के साथ में। आपको सारे जनता का जिस तरह से समर्थन और वो सारा देख करके आपको क्या लग रहा है, किस तरह का उत्साह है लोगों में और मौजूदा सरकार के खिलाफ भी कोई? 5 साल के अंदर राजस्थान सरकार की जो कारनामे है उससे जनता पीड़ित है। और आप सबको पता है हमने जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से प्रत्येक पंचायत तक नुक्कड़ सभाएं की थी, लोगों के सुख दुख के अंदर हम साथ कर रहे हैं। कोरोना काल हो, लंपी बीमारी हो, कोरोना काल के अंदर तो हमने एक एम्बुलेंस बना के उसके अंदर डॉक्टर्स और कंप्यूटर्स और सब साथ में लेकर लोगों की सेवा की। और लंपी के अंदर हमने गायों की सेवा की, वो सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और मेरा राजनीतिक जो कैरियर भी हमारे गौ सेवा से ही शुरू हुआ है। 2001 और 2 के अंदर मैं सीमा जन कल्याण समिति का जिले का अध्यक्ष था, उस समय से मैं सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर गौ शिविर खोल कर गायों की सेवा की, उस समय अकाल था और उसका परिणाम ये हुआ 2003 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और लगातार जो है मैं जनता के बीच में हूँ, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप में मुझे विश्वास है कि हमें भारी बता सकते हैं।